1, 2, 3, go! सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ चंद्रपुर पानीखेती की तरफ। एक बहुत अच्छा लोकेशन है, आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देख ही लिया होगा। सो आज थोड़ा अलग टाइप का एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि मेरे साथ जा रहे हैं मेरे सिस्टर्स और मेरे भांजास। सो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत दिन बाद ऐसे ही टूर पर निकला है। ज़्यादा लंबा टूर तो नहीं है, मगर पास में ही है। तो गाइज, मेरे वीडियोस आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत बड़ी थैंक यू बोलता हूँ आप सभी को। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ दे नहीं पाऊँगा, या फिर आपको अच्छा अच्छा एंटरटेन या अच्छा अच्छा जगह लोकेशन आपको शेयर कर सकूँ। वही मेरी मेन लाइफ है। जो आप लोगों को अगर मनोरंजन होता है तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। मैं इंस्टाग्राम में भी स्टोरीज डालते रहता हूँ, तो काइंडली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम पे ही है डी जिंकी नाथ करके है। आप हे गाइस, हाय, माय सेल्फ डी जिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। शाबाश, बहुत ही तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं नारंगी से। अभी डायरेक्टली जाएंगे हम लोग चंद्रपुर। ठीक है छोटू। स्माइल। अभी नानू ने उल्टी भी कर दिया है, लेटरिन भी कर दिया है ना नानू। फाइनली वी रीच आवर अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन। इनका नाम है एथेनिक विलेज और ये एक रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। मैं जब इससे पहले आया था, ये रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर फाइनली आज जो है ओपन मिला हमको, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंटर किया। तो देखते हैं अभी क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। ये जो रिजॉर्ट है बहुत बड़ा रिजॉर्ट है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारे जगह अभी भी है, खाली जगह भी है। आप लोग देख सकते हैं, देयर हैव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पॉन्ड ऑल्सो हियर एंड ट्रीज ऑल्सो ओवर हियर। बहुत सारा ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा ट्रीज है जो बहुत अच्छा अच्छा काम में ज़रूर आता है और मेडिसिन में भी लगता है ये सब। और यहाँ पर देखिए मेरे पीछे जहाजी केला, ये बहुत बढ़िया बढ़िया है खाने में, पकने के बाद वाओ। एक्चुअली
आज कुछ ही दिन पहले ही इनॉग्रेट किया था। बहुत दिन पहले से मेरे नज़र पे था कि ये एक अच्छा सा रिजॉर्ट बन रहा है, और मैं जब भी आता था तब ये रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन में ही था। तो फाइनली अभी खुल गया है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। ये है एक्चुअली चंद्रपुर रोड से आपको आना पड़ेगा, जिस रोड से आपको डिगारू सोनापुर निकलता है वो वाया रोड होके आपको आना पड़ेगा। और आने के बाद अप्रोक्सीमेटली या 15 किलोमीटर के बीच होगा, आने के बाद ये जो रिजॉर्ट है आपको मिलेगा। अभी तो एक्टिविटीज़ खुला नहीं है, इससे पहले एक्टिविटी खुला था बोल रहे थे हम लोग को, इन्फॉर्म करके आ जाइए पहले। छोटा सा ट्री हाउस है, हम वहाँ पे भी चढ़ के थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कैसा है, वहाँ से व्यू लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आपको भी बाहर से भी दिखा देते हैं और अंदर से भी दिखा देते हैं, बढ़िया होगा। पहले जब चढ़ रहा था तब यहाँ पे इतना सारा कीड़ा मुझे अटैक किया हाथ पे, तो मैं तो डर ही गया था। मैं सोचा कि क्या था, आपको मैं दिखा देता हूँ। कीड़ा है मगर ये काटता है। तो चलिए मैं आपको ऊपर से पूरा नज़ारा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। कसम से बोलता हूँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत खूबसूरत है। एक बात तो है, यहाँ पे प्रॉब्लम तो है एक, सब आदमी यहाँ पे चढ़ तो सकेंगे मगर उतरने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, और ख़ास तौर से लेडीज़ को। Thank you.
टेस्ट करने के लिए कुछ कुछ है अभी तो रेडीमेड, यहाँ पे पहले से बना के रखा था, देखा था मैंने, मगर ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये सीनियर्स के लिए नहीं है। और उस साइड में एक टी गार्डन है और उस साइड में एक रेलवे ट्रैक है और बाकी रोड काफ़ी अच्छा है। और जब मैं इस कॉटेज पे घुसा तो मैं देखा कि यहाँ पे एंटिक टाइप का पीस है जो मुझे ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है और ये SMS कल्चर का एक यूज़फुल सामान है। तो ओवरऑल ये जो वीडियो है मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर आपको इसी टाइप का व्लॉग या फिर वीडियोस देखने के को पसंद है तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर दीजिए, तब जाके आपको हम लोग का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं। अगर आपके जहन में अगर कुछ अच्छा खासा प्लेस है जो एक्सप्लोर करने की बाकी है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम भी मेरे नाम पे ही है, डी जिंकी नाथ करके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एन्जॉय आयर होम, बाय गाइज़।